everyone, welcome back to my channel. So today's video is another DIY from your old t-shirts. So what I'm going to do, I'm going to cut the t-shirts in some different styles, just like this. The old t-shirt that you are not using anymore, you can use with a modern touch. So in this video, you don't have to sew it. So there is only cut and that's all. You don't need to do anything. I hope you're going to enjoy this. So let's go to the video. तो सबसे पहले कोई भी एक पुरानी टी-शर्ट आप ले लो और उसमें एक लाइन आप ड्रॉ कर लो इन बिटवीन. तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एक ट्रायंगल. बहुत ही सिंपल वे है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा जैसे मैं कर रही हूँ वैसे, तो आप ड्रॉ कर सकते हो. या तो आप कोई मार्कर ले लो या फिर आप पेन से वहाँ पर ड्रॉ कर लो लाइन, और एक सीधी लाइन खींचने के बाद एक ट्रायंगल क्रिएट करो और वैसे उसे काट लो जैसे मैं कर रही हूँ. इससे क्या होगा, आपके नेक में बहुत ही सुंदर पैटर्न आएगा जो कि बहुत सुंदर लगता है. बट हाँ, ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा डीप ना काट लें, फिर आप पहन नहीं पाओगे तो वो एक इशू हो सकता है. तो ये आप थोड़ा देख के करें कि कितना हाइट और कितना लेंथ का आपको डीप नेक चाहिए है. अब आप जो हमारे टॉप के नीचे का पार्ट है उसमें कुछ लेयर्स बनाना स्टार्ट करो. तो उस लेयर्स को बनाते टाइम आपको कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, हाँ पर एक लेवल पे रखना ताकि वो एक बहुत अच्छा फिनिशिंग लुक दे. और उसके बाद आपको इसे पकड़ के खींचना है और एक बहुत सुंदर फिनिशिंग लुक आता है जैसे कि आप देख सकते हो. तो जैसा मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसा ही कीजिए, इस स्टेप को स्किप मत करना. यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक नोट बांध रही हूँ, पर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, जस्ट ढीला ही है. मैं इसे दो दो की पूरे लास्ट तक बनाऊँगी और उसके बाद जो हमारे बचेंगे उसमें भी मैं दो दो का ऐसे एक नोट टाइप का बनाऊँगी. ऐसा करने से एक बहुत सुंदर पैटर्न आ रहा है. अगर आप चाहें तो ये नहीं भी कर सकते हैं या फिर आप अपने स्टाइल का भी कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं. मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो मैंने सोचा ये बनाती हूँ. तो ये है फाइनल लुक और आप देख सकते हो ये काफ़ी सुंदर है और पहनने में बहुत स्टाइलिश. एक टी शर्ट आप फिर से लो सुंदर कलर का, जैसा कि मैंने चूज़ किया है एक पिंक कलर, वो ले लो. और इसमें हम बनाने वाले हैं कोल्ड शोल्डर टॉप. तो इसके लिए आप सिर्फ एक पैन ले लो और यहाँ पे एक सर्कल, हाफ सर्कल टाइप का डिज़ाइन करो. आप इसकी जगह आप कुछ और मार्कर भी यूज़ कर सकते हो. तो ये हम कट कर देंगे तो ये ऐसा कुछ शो नहीं होने वाला. तो आप चॉक यूज़ कर सकते हो, मार्कर यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे पेन यूज़ कर रही हूँ. और हाँ, ये जो आप हाफ सर्कल बना रहे हो इट्स डिपेंड आपको कैसा चाहिए है, कितना आपको डीप चाहिए है, उस हिसाब से आप कट कीजिएगा. मुझे ज़्यादा डीप नहीं चाहिए था तो मैंने अभी यहाँ फिलहाल थोड़ा ही कट किया है. मतलब जो मेरा सर्कल एरिया है हाफ सर्कल वो थोड़ा कम है. आप यहाँ पे देख सकते हो एक ऐसा होल टाइप का क्रिएट हो जाएगा. पर डोंट वरी, आप इसको अच्छे से फिनिशिंग दो. अगर जहाँ अच्छे से कट नहीं हुआ है उसे अच्छे से काटो और इसे भी पकड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच करो. ऐसा करने से इसमें भी एक फिनिशिंग आती है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है. फाइनल लुक ये ऐसा दिखेगा और पहनने के बाद तो बहुत ही सुंदर कोल्ड शोल्डर लुक आएगा.
पे लिया है एक बहुत ही खूबसूरत पेस्टल कलर, तो आप भी इस तरह का कोई कलर ले सकते हो। और यहाँ पे भी हम सेम नेक बनाने वाले हैं जिसमें हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो वैसे ही मैं यहाँ पे एक सामने एक सीधी लाइन क्लिक कर रही हूँ एंड ड्रॉ कर रही हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे कट करूँगी ट्रायंगल और उसे निकाल दूँगी। सो ये जो टॉप है स्पेशली ये एकदम आपके गले से चिपक कर आता है, लाइक हाई नेक है, तो ये बहुत सुंदर लगेगा जब इसका जो हम नेक बना रहे हैं वो क्रिएट होकर आएगा। ये कुछ इस तरह का दिखेगा, और इसमें हम कुछ ज़्यादा बहुत फैंसी नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ स्लीव्स को यहाँ पे हाफ कट करेंगे। हाफ कट करने के बाद आप इसको स्ट्रेच आउट करके इस पर नोट भी बांध सकते हैं, पर मुझे ये ऐसा खुला ही अच्छा लग रहा था और मुझे ये पैटर्न पसंद आया, तो आप अगर चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स एंड द फाइनल रिजल्ट। लिया है ये पर्पल टी शर्ट, तो इसमें हम क्या डिज़ाइन बनाने वाले हैं, हम यहाँ पे तीन पैरेलल लाइंस बनाने वाले हैं और उसमें हम एक कट करेंगे। तो ये जो आप करने वाले हो इसको बहुत सावधानी से करिएगा, क्योंकि अगर ये नेक लाइन बहुत ज़्यादा डीप हो गई तो आप इसे वेयर नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर आप चाहें तो डीप भी बना सकते हैं और स्पेगेटी के साथ इसे वेयर कर सकते हैं। इसका फाइनल लुक काफ़ी फैंसी है, जो कि आजकल के न्यू लुक्स एंड मॉडर्न जो हमारे टॉप्स आए हैं उससे काफ़ी मैच करता है, तो आप इसे अच्छे से देखें और इसे फिनिशिंग देना बिल्कुल भी ना भूलें। ये जो है ये ऑप्शनल है, मैं यहाँ नीचे तरफ को भी तीन स्ट्रिप्स बनाने वाली हूँ और उसे अच्छे से कट करके एक फिनिशिंग दूंगी। अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हो या फिर आप ये स्किप भी कर सकते हो, ये बस हमारे टॉप को और अच्छा लुक देगा, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। इसको स्ट्रेच आउट कर लीजिए, ये बहुत सुंदर लुक देता है एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट आफ्टर डूइंग एवरीथिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर DIYs एंड न्यू वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।